मेरे आदिवासी सभी भाई बहनों को मेरा सेवा जोहार। दोस्तों, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ नई कहानी लेके आता हूँ। ये कहानी इतिहासों में दबी हुई है, ये कहानी इतिहास के पन्नों में खोई हुई है। बहुत सारे लोग इस शख्स को जानते हैं जिस शख्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, और आपको भी ये वीडियो देखते हुए आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि कहानी भी ऐसी है और ये कथा भी वैसी है। इतिहास ने तो अपने पन्ने ढक लिए, लेकिन हम लोग खुद को आदिवासी कहते हैं, वो अपने हीरो को कैसे जाने देंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस सफर पे, जो सफर कहता है कि इस इंडिया का रॉबिन हुड एक तंट्या भील था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस तंट्या मामा की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुद को डाल दिया और इतना यहाँ पे लड़ा दिया कि अंग्रेज भी थर थर कांपने लगे। आप सोचो, अगर एक आदिवासी क्रांतिकारी अपने हक के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए अगर लड़ता है और पूरी अंग्रेजों की फौज भौचक्का रह जाती है, तो आप सुन सकते हो या समझ सकते हो कि आदिवासी का क्रांतिकारी लड़ा कितना जबरदस्त था। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। क्रांति की हजारों कहानियां सुनाई जाती है, कभी 1855 की, कभी 1857 की, कभी मंगल पांडे की, तो कभी गांधी जी की। यहां तो जान सभी ने दी है, यहां तो इस देश के लिए सभी ने यहां पे खून बहाया है, लेकिन बात किसकी की जाती है? जो भी इतिहास के पन्नों में सामने आए उन्हीं की बात की जाती है। आपको लगता है जब 150 साल अंग्रेजों ने यहां पे राज किया, तो अंग्रेजों को विरोध करने वाले 1, 2, 3 या 10 और 20 थे? नहीं यार, हर कौम का आदमी यहां पे लड़ा है, और सबसे पहले विद्रोह यहां पे आदिवासियों का हुआ है। लेकिन बात यह है कि आदिवासी वहां पे पड़ा नहीं हुआ था, आदिवासियों को चौथे श्रेणी में डाला जाता था, वो भी शूद्र के, और तभी से आदिवासियों ने जो भी कार्य किए वो दबा दिए जाते थे। तंट्या भील को तंट्या मामा कहा जाता था। दोस्तों, इनकी स्टोरी हम पहले से जानते हैं। खांडवा जिले में 1842 में तंट्या का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे ब्लॉग आपको गूगल में मिल जाएंगे, वो बताएंगे कि तंट्या याने तंटा याने भांडन याने झगड़ा, इसके ऊपर नाम पड़ा गया तंट्या। ऐसा कुछ नहीं है, ज्वारी का पौधा होता है, वो पौधा बड़ा होने के सूखने के बाद उसको तंटा कहा जाता है। तंट्या मामा भी जब बचपन में बड़े होने लगे थे, तब वो पौधे की तरह दिखते थे, इसलिए उसको नाम दिया गया तंटा, और आगे चल के वो तंट्या भील बने। तो दोस्तों, इस कहानी क्या है, बचपन में ही तंट्या मामा की माँ गुजर गई। जब तंट्या मामा का बचपन चल रहा था, तो उनकी माँ गुजर गई। उनके पिता थे उनकी परवरिश करने वाले, पिता ने बहुत बड़ी परवरिश की, पिता भी थोड़े क्रांतिकारी थे विचारों के, और आपको मालूम है कि आदिवासी जो वारसा है वो अपने घर से ही चला आता है, अपने खून से चला आता है। तंट्या मामा के पिता क्रांतिकारी विचारों वाले तो थे, लेकिन तंट्या मामा में भी धीरे धीरे क्रांतिकारी विचार आने लगे। क्रांतिकारी विचार आप उस जमाने में अगर समझ सकते हो, तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले हमारे कुछ बड़े लोग थे, और इसमें चक्की पीसने वाले या इसमें जिनका शोषण होता था वो था आदिवासी वर्ग या जनजाति वर्ग या ओबीसी वर्ग, ऐसे कुछ हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी वाले लोग, वहाँ पे उनका शोषण होता था। ठीक है, तो तंट्या मामा ने देख लिया। उसके बाद वो जब बड़े हुए तो पिता ने भी उनका साथ छोड़ दिया, यानी पिता गुजर गए। अभी तंट्या मामा अकेले थे। तंट्या मामा की एक जमीन थी, एक शिवा पाटिल करके उनके पास। तंट्या मामा उनको जमीन मांगने के लिए उनके गाँव गए। शिवा पाटिल ने उनका आदर तो किया, सत्कार तो किया, लेकिन शिवा पाटिल ने उनको जमीन नहीं दी। तंट्या मामा ने कोर्ट में मुकदमा लड़ा, लेकिन शिवा पाटिल ने एक झूठे गवाह निकाल के तंट्या मामा को जमीन लेने नहीं दी। कोर्ट ने भी फैसला तंट्या मामा के विरुद्ध में कर दिया। तंट्या मामा ने वहाँ पे बंड किया और 2-4 सैनिकों को मारा। उसके बाद तंट्या मामा को जेल हुई। जेल होने के बाद जब वो छूटे, तो जेल में भी उन्होंने देखा कि जेल में भी बहुत शोषण चल रहा था। इसके बाद तंट्या मामा ने बीड़ा उठाया कि नहीं, मैं अभी जीऊँगा गरीबों के ज़मीनों के लिए, हक लड़ूंगा गरीबों के ज़मीनों के लिए, और यहाँ पे मरूंगा तो गरीबों के हक के लिए। तंट्या मामा ने बीड़ा उठाया, वो जंगल में गांव गांव भटकने लगे। कभी कभी लोग तो बताते हैं कि तंट्या मामा कब आते थे और कब जाते थे, किसी को पता नहीं है। तंट्या मामा की प्लानिंग भी बहुत सही रहती थी। तंट्या मामा अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आते थे, और आ भी गए, एक बार आ गए थे हाथ में तंट्या मामा, लेकिन 20 फीट की दीवार लांघ कर वो कब निकल गए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी आदमी था,
आदिवासियों को मालूम है अगर वो नेचर का पालन करता है और नेचर के सिस्टम में रहता है तो ये दीवार है आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं है। तंटे मामा का फोकस और कंटेंट एक ही था, गरीबों की रक्षा, गरीबों को अच्छा मिलना, क्योंकि गरीबों की ज़मीनें वहाँ पर भी हड़प ली जाती थी और तंटे मामा को ज़मीन की कीमत बराबर मालूम थी। तंटे मामा ने खुद का जीवन त्याग दिया, झुक दिया, वो जंगल पहाड़ों में रहने लगे, गांव गांव घूम घूम के लोगों को बताने लगे, अपनी टीम बनाने लगे। तंटे मामा ने अपनी ऐसी टीम बनाई जो गांव गांव के साहूकारों को लूटती थी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे शोषण चल रहा था साहूकारों को, क्योंकि साहूकार ऐसे एक आदमी थे वहाँ पे जो अंग्रेजों को कुछ ना कुछ देते थे और अंग्रेजों के साथ बड़े प्यार से रहते थे और गरीबों का शोषण करते थे। ये साहूकार लोग मुट्ठी भर नमक के लिए भी आदिवासियों की जमीन लिए हुए हैं, और बात मैं तभी की कर रहा हूँ जहाँ पे मुट्ठी भर नमक भी महंगा होता था। जहाँ पे 200 रुपये उधारी अगर हो गई साहूकार के पास तो वो गरीब की 2 एकड़ जमीन वो ले लेता था। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, और उस जमाने में तंटा मामा जिन्होंने गांव गांव के साहूकारों जो हराम की कमाई खा के बैठे हैं उनको लूट के वो धन जेवरात पैसा सब गरीबों में बांट देते थे। आप सोच सकते हो उस जमाने में जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की बात जो नहीं कर सकता, उस समय तंटा मामा ने इन साहूकारों को अंग्रेजों को लूट के धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। इसके लिए जिगरा चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम आज के दौर में विचार करते तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप अगर उस समय में जाके थोड़ा सा सोच ले कि जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की भी अनुमति नहीं थी उस समय इतना बड़ा विद्रोह करके लोगों को खुश करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो। तंटे मामा ऐसे घूमते थे, तंटे मामा को अंग्रेज लोग भी जानते नहीं थे, कोई रॉबिनहुड बोलता था, कोई भगवान बोलता था, क्योंकि तंटे मामा ने सोच ही लिया था कि इन सब कर्मकांडों से बाहर निकालेंगे और गरीब आदमी को सामने लाएंगे। यही तंटे मामा का मिशन था, और इस मिशन को लेते तंटे मामा ने अपना कार्य शुरू किया था। तंटे मामा गांव गांव भटकते थे, होशंगाबाद से महाराष्ट्र से लेकर खांडवा जिले तक बहुत बड़ा प्रस्थ तंटे मामा के यहाँ से फैला हुआ था। तंटे मामा कहीं जाते थे, कहीं निकलते थे, किसी को कुछ पता चला नहीं चलता था। तंटे मामा को हर एक युद्ध लड़ना आता था, भाला, दरांती, गोफन, तीर कमान और ऐसे कई विद्याएं तंटे मामा के पिता ने उनको सिखा के रखे थे। लेकिन दोस्तों आप जानते हो, आदिवासियों के ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में आदिवासियों का, जैसे रावण को विभीषण, रावण के घर में जैसे विभीषण पैदा हुआ था, वैसे ही हर आदमी के, बाबूराव शर्मा के को जैसे अपने लोगों ने पकड़ के दिया था, वैसे ही तंटे मामा के साथ भी यह बात दोहराई गई। उनके अपनों ने घुस ली, उनके अपनों ने पैसे खाए और अपनों ने उनको चुन के दिया। जो बहन उनको राखी बांधती थी, उस बहन के पति ने उनको राखी के दिन बुलाया और राखी के दिन ही उनको पकड़वा के दिया। और दोस्तों अंग्रेजों को मालूम था ये आदमी अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो नहीं हो सकता, इसीलिए 19 अक्टूबर 1989 को तंटा मामा को फांसी दी गई। जी हाँ दोस्तों, फांसी दी गई या जहर दिया गया या गोली मार दी गई, इसका कोई इतिहास में प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास में लिखा रखा है एक शब्द में कि फांसी दी गई। इसके बाद, फांसी देने के बाद अंग्रेज डरते थे, क्योंकि भील कौम बहुत एकजुट हो गई थी तंटा मामा के बाद, और भील कौम कभी भी विद्रोह कर सकती थी। तंटा मामा का जो शव था, जो मृतदेह था, वो भील लोगों को उन्होंने दिया भी नहीं और पाताल पानी नाम के एक एरिया में फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, तंटा मामा को पाताल पानी नाम के एक दरी में फेंक दिया गया, और वहाँ पे हमारे लोगों को जब पता चला कि तंटा मामा को वहाँ पे फेंक दिया गया, उन लोगों ने वहाँ पे समाधि बनाई। और दोस्तों एक मजे की बात यह है कि वहाँ से रेल पटरी गुजरती है अंग्रेजों के शासनकाल से, जहाँ पाताल पानी में जहाँ पे फेंका है वहाँ पे ट्रेन गुजरती है, और जब भी वहाँ पे ट्रेनों के हादसे होने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूत भूत करके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बना दिए हैं, तो हमारे तंटा मामा कोई भूत भीत नहीं थे, लेकिन वहाँ पे हादसे होने लगे ट्रेनों के। और फिर उन्हें लगा, और भी लोग भी बताने लगे बाकी लोगों को, कि यहाँ पे तंटा मामा की समाधि है, जो तंटा मामा गरीबों के लिए लड़ते थे। और फिर वहाँ पे एक रिवाज चला अंग्रेजों के शासनकाल से कि कोई भी ट्रेन आती है तो वो समाधि के पास रुकती थी,
हॉर्न बजा के सलामी देके, टंटे मामा को सलामी देके ही ट्रेन निकलती थी, और जो ट्रेन सलामी देके निकलती थी वो ट्रेन अच्छी तरह से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी, और लेकिन जिस ट्रेन रुकी नहीं उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता था। दोस्तों ये भी एक बात है, और दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है रानी लक्ष्मीबाई से उन्होंने प्रेरणा ली, उन्होंने तात्या टोपे से प्रेरणा ली, ये सरासर बात गलत है दोस्तों। तंटे मामा ने किसी से प्रेरणा नहीं ली, क्योंकि तंटे मामा के पुरखाओं ने यहाँ पे जो क्रांति की है वही क्रांति की मशाल उनके दिमाग में थी। तंटे मामा के जो पिता थे वही क्रांतिकारी विचार वाले थे, और उन्होंने भी उनके दिल में बीज बोया था क्रांति का। जी दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हमें भी हमारे विचारों को थोड़ा सा क्रांतिकारी होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चे को दिल में अगर आप अन्याय बिठा देंगे तो वो अन्याय सहता रहेगा, लेकिन आप उसको सही मायने में संविधान की बातें बताएंगे, आगे आने वाली कौन सी भी घटना, आगे आने वाले कौन सा भी सरकार अगर शोषण की बात करेगा तो आपका लड़का खड़ा होगा। इसलिए मैं दोस्तों बताता हूँ कि तंटे मामा आज तो नहीं है, तंटे मामा के जहाँ वहाँ स्मारक है, तंटे मामा लिखा गया है आदिवासी किताबों में। आज तंटे मामा बिल की जय बोलते हैं लोग तो सीना चौड़ा हो जाता है। क्या दोस्तों हम यहीं पर रहने वाले हैं? क्या दोस्तों तंटे मामा को हम इसीलिए मानते हैं कि सिर्फ उनकी कहानी लोगों को बताया जाए? नहीं दोस्तों, तंटे मामा के विचार जो भी थे वो अन्याय के खिलाफ थे, तंटे मामा के विचार जो भी थे वो शोषण करने वालों के खिलाफ थे, और दोस्तों यही तो क्रांति लानी है। अगर हमारे सब युवाओं में इस क्रांति की झलक आ गई, तंटे मामा के जैसे हर आदमी विचार करने लगा कि यहाँ पे गरीब आदमी गरीब शोषण नहीं करेगा, बड़ा आदमी गरीब का शोषण नहीं करेगा, ऐसे अगर हम बातें करने लगे तो तंटे मामा आपके हमारे मेरे सभी के दिल में राज करने वाले। अगर तंटे मामा को देखते हैं, उनका स्टैचू हम बिठाते हैं, तंटे मामा की जय बोलते हैं, और आगे आने वाले कोई सरकार है कोई कानून बना लेता है और हम उस कानून को चुपचाप सह लेते हैं ना, तो ये तंटे मामा की बेइज्जती है। क्योंकि तंटे मामा ने ये नहीं कहा था कि मेरा स्टैचू बनाओ और मेरे स्टैचू के नीचे किसी का शोषण करो या होने दो। अगर आप किसी का शोषण देखते हो तो वो भी तंटे मामा की बेइज्जती है, क्योंकि तंटे मामा ने अपना जीवन अपनी लाइफ आपके और आपकी पीढ़ियों के लिए गंवाई है, आपके जमीनों के लिए वो लड़ा है। तो इसीलिए दोस्तों तंटिया मामा जो भी है, तंटिया मामा के सभी विचारों को अपने साथ अपनाएं, और आज के दिन और आज के बाद यह विड़ा ले कि हम आदिवासी लोग आज के बाद अपने कौम पर ना अन्याय होने देंगे ना करेंगे, और अपने कौम को उस जगह ले जाएंगे जहाँ से लोगों को आदिवासी एक जंगली ना कहते हुए आदिवासी एक सम्मान की, इस देश के सम्मान की बात होगी। दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया इसलिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको भी आदिवासी होने पर गर्व महसूस होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।